हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन में जो साइफर सुपरवाइजर साइफर की वैकेंसी आई है उसकी डिटेल में, उसका जो प्रोफाइल, उसकी लाइफस्टाइल का रिव्यू करेंगे। उसमें अपने मेन कौन कौन से पॉइंट लेंगे, देखिए वो कौन से ग्रुप की वैकेंसी है या कौन से ग्रुप में वो जॉब आती है, रैंक क्या रहती है उसमें, पोस्टिंग लोकेशंस कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है उनकी, क्या उनकी आरसीसी में होती है, चीफ ऑफिस या बीआरटीएफ में, स्टडी टाइम, फैमिली लाइफ है या नहीं है, इसके अलावा वो साइट पे उनकी पोस्टिंग रहेगी या नहीं रहेगी, मैं मतलब डेट्स में, और एनपीएस में आएंगे या ओपीएस में, वर्क क्या रहेगा, उनका काम क्या रहेगा, और कैंटीन फैसिलिटी में उनकी कितनी लिक्वर मिलेगी, कितनी ग्रोसरीज मिलेगी, और ड्रेसेस अलाउंसेज क्या रहेगा उनका, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देखिए क्या वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, उनका प्रमोशन क्राइटेरिया किस पोस्ट पे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद में ये सभी पॉइंट्स अपने मैन्युअली लेंगे, और भी कोई होगा तो लास्ट में मैं बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रेड के इस जो सुपरवाइजर साइफर है इसके बारे में एक बात बोलूँगा कि ये रहस्यमयी ट्रेड है। रहस्यमयी मतलब क्या बताऊँ, मतलब इसमें मैं काफ़ी चीज़ें गोपनीय हैं, बताऊँगा क्यों। सबसे पहले अपने देखते हैं साइफर है इसका मतलब क्या होता है। गूगल पे सर्च करना साइफर, तो साइफर का मतलब ये देखिए आपको साइड में दिख रहा है ना, ये मतलब होता है साइफर का मतलब होता है कोड को डिकोड, या कोई भी लेटर लिखा जाता है उसको कोड में लिख के भेजना या डिकोड वापस करना, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये मतलब पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, देख लिया। ग्रुप में कौन सी आती है, सी ग्रुप की जॉब है वो। कौन सी ग्रुप की, सी ग्रुप की जॉब है, 2400 ग्रेड पे है। ग्रेड पे कितना है, 2400 ग्रेड पे है। ये सब चीज़ें जैसे सर ने बताई है जो इस पोस्ट पे हैं या जो इससे सीनियर पोस्ट है उन्होंने बताई है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इसमें रैंक बता दी मैंने कि रैंक क्या रहती है, रैंक रहती है नायब सूबेदार, जिसमें एक फित्ती लगती है यहाँ पे जेसीयू में आता है, जूनियर कमीशनड ऑफिसर, वन स्ट्रिप यहाँ लगती है। ठीक है, नायब सूबेदार की रैंक होती है। अब पोस्टिंग लोकेशंस, जैसे बीआरओ में सभी जगह पे सभी ग्रेफ पर्सन की पोस्टिंग रहती है, वैसे इनकी भी नॉर्थ में भी आएगी, ईस्ट में भी आएगी, ग्रेफ सेंटर पुणे में भी आएगी, हर जगह मतलब इनकी पोस्टिंग रहती है, पर मोस्टली बड़े बड़े जैसे चीफ ऑफिस और बीआरटी में रहेगी, दिल्ली में रहेगी, पुणे में रहेगी, मतलब जहाँ पे जो इनका मेन काम होता है वहाँ रहेगी इनकी पोस्टिंग लोकेशंस। ठीक है, अब इसमें इनका स्टडी टाइम की अपने आगे बात करेंगे। रीज़न इनका काम सबसे पहले देख लेते हैं, काम क्या होता है। देखिए ये जो पोस्ट है वो कॉन्फिडेंशियल है तो मैं हर एक चीज़ शेयर नहीं कर पाऊँगा। रीज़न ये है कि ये जो आपकी सुपरवाइजर साइफर है वो क्या होते हैं, वो आपके उनका काम होता है बीआरओ का कोई ऐसा काम, ऐसा डाटा जो किसी दुश्मन देश के हाथ में नहीं आए, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा जिसको किसी कोड में बना के भेजना और उसको रिसीव करना, उसको ट्रांसलेट करके वापस ऑफिसर तक पहुँचाना, मेन काम यही होता है। मतलब उनका साइफर का मीन यही होता है। ये पोस्ट क्या है, बीआरओ में नाम मात्र है, ये सीधे आर्मी की पोस्ट है। ये किसकी पोस्ट है, आर्मी की पोस्ट है, आर्मी से बीआरओ में अभी लाया गया है। पूरे उन्होंने बताया सर ने, बीआरओ के अंदर मात्र 4 to 5 जो एम्प्लॉयज़ ये हैं जो सुपरवाइजर साइफर की पोस्ट पे है, वो भी कौन है, एक्स आर्मी मैन। जो एक्स आर्मी मैन मतलब आर्मी से जो रिटायर हो गया है उन्हीं को लिया गया है, जिन्होंने ये इस पर्टिकुलर जो आपके डिकोड कोड में डिप्लोमा कर रखा है या कोर्स कर रखा है आर्मी के अंदर, वहीं से ही उनको रिटायर होने के बाद में एक्स सर्विस मैन के तौर पे यहाँ लिया गया है डायरेक्ट। यहाँ इससे पहले कोई भर्ती नहीं होती थी। बीआरओ में फर्स्ट टाइम जो आपके सुपरवाइजर साइफर की वैकेंसी आई है, इसमें सर ने ये भी बताया, ये मतलब अभी भी उनको ये डाउट है कि इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। सर खुद कह रहे थे कि एग्ज़ाम किस बेसिस पे होगा, इनकी ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाएगी, क्योंकि सर ने बताया जैसे कि बीआरओ के पास में अभी तक सुपरवाइजर साइफर की ट्रेनिंग का कहीं कोर्स कभी लॉन्च नहीं हुआ, तो
तो हो सकता है सुपरवाइजर साइफर, हो सकता है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पूरे सुपरवाइजर साइफर की वीडियो में मैं ये बात बोलूँगा कि सर ने जो बताया है वो मतलब लिमिटेड चीज़ बताई है। रीज़न ये है कि ये ऐसी जो आपकी पोस्ट हैं, ऐसी ट्रेड हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल सब चीज़ें हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हो सकता है आपका कोर्स आर्मी के मतलब कोर्स करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए, जो आपकी को डिप्लोमा या कोर्स, जो आपको ऐसे कोड डिकोड तो आता नहीं है, आपको आता है क्या कोड डिकोड करना, कोई मजाक का खेल तो है नहीं, तो उसके लिए आर्मी की जो जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। वहाँ से आपको कोर्स कराने के बाद में BRO में इंडक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिया। तो इस ड्यूरिंग आपकी जो मैंने वर्क बता दिया कि आपका मेन काम क्या है, ज़्यादा डिटेल में काम बता नहीं सकता, सॉरी, कॉन्फिडेंशियल है, डिफेंस का मामला है, तो अच्छा नहीं लगता अपने भारत देश के लिए, ये सही नहीं है, कल को, समझ रहे हो ना, सही नहीं है ये चीज़ ज़्यादा बताना इस पोस्ट पे। स्टडी टाइम की बात की मैंने, वर्क बता दिया। स्टडी टाइम हमेशा लोड लेटर्स आते नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, तो आपको स्टडी आराम से टाइम मिल जाएगा, स्टडी करने का आराम से टाइम मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका टाइम फिक्स ना हो, आपका टाइम फिक्स नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 8 बजे आना है, लेटर बना के भेजते रहना है, भेजते रहना है और शाम तक भेजते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी इनकी आवश्यकता पड़ती है, बट आवश्यकता इमरजेंसी में भी पड़ सकती है, तो ये ध्यान रखें। ड्यूटी 24 आवर्स है, मोस्टली इनकी पोस्टिंग चीफ ऑफिस या BRTF में होती है, RCC में बहुत कम माइनर होगी, क्योंकि मुश्किल से 7-8 पोस्ट ही आई हैं मुझे जितना मैंने देखा है, बहुत कम पोस्टें हैं। तो ये चीफ ऑफिस में, ज़्यादातर चीफ ऑफिस में रहेंगे, BRTF में भी जाने की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी में ये अपनी सेवा मुहैया करवाएंगे। ठीक है, वर्क बता दिया। NPS में आएंगे या OPS में, अभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं 2004 के बाद वाले, सब NPS में आ रहे हैं, तो ये भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे। अगर चेंज किया जाता है अभी, अगर ये OPS वाला मुद्दा छारक है, तो आपको भी OPS में चेंज किया कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी, जैसे कि JSU हैं तो इनको कैंटीन के अंदर 7 बोतल, कोई भी 7 बोतल लिक्वर की में ले सकते हैं आप, 7 विस्की चाहे 7 रम ले सकते हैं, बियर लेना चाहें तो 7 × 4, 7 × 28 बोतल बियर। अगर आप लेडी लेडी की जो आती है अलग से बियर आती है, कल परसों उसकी फ़ोटो भी लगाई थी, आप साइड में दे सकते हैं, ये वाली बियर है वो आप 1 बोतल के पीछे 8 ले सकते हैं, तो 7 × 8 = 56 बोतल ये ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैंटीन की फैसिलिटी। ग्रोसरी का मैंने बता ही दिया है, ग्रोसरी और जो लिक्वर है उसकी कैंटीन को दोगुना डिमांड मिलेगी, मतलब दोगुना कैंटीन उसका मटेरियल उठा सकती है आपकी डिमांड का, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। कार लेंगे, अगर आप कार लेंगे CSD से, कैंटीन से, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, कितने लाख तक की कार आप कौन सी रैंक पे ले सकते हैं, कौन से पे स्केल पे ले सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप वॉच कर लीजिएगा। एंड ड्रेसेस अलाउंसेस, JSU तक की रैंक को सभी को 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पूरे ईयर के ड्रेसेस के अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपको भी 10,000 रुपये ड्रेसेस के लिए, आपकी रैंक के लिए, आपके बेल्ट के लिए, शूज़ के लिए, जो भी टोटल ड्रेस के अंदर आते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए आपको 10,000 रुपये साल के मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता। आप पहली बात तो ये है कि पोस्ट 4-5 हैं पहले से ही, वो भी एक्स सर्विसमैन है, तो कोई ऐसा आपके लिए खास कुछ है नहीं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। अब न्यू क्रिएट किया है तो हो सकता है कि कुछ किया जाए, आगे से किया जाए। ठीक है, और प्रमोशन, सर ने तो साफ साफ बोला है कि कोई प्रमोशन नहीं होगा, पूरी लाइफ टाइम आपको सुपरवाइजर साइफर के रूप में रहना पड़ेगा एक फित्ती के साथ पे। पर मुझे, जैसे मैं रहा हूँ इस डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएट करके एक सीनियर भी बनाएंगे, क्योंकि हम नया कैंडिडेट आएगा तो उसको जो उसको समझाएगा कौन, उसके लिए हमेशा सीनियर एक हैंडल करने के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है आप एक फित्ते से दो फित्ती, मतलब JSU के अंदर सूबेदार के रैंक तक जा सकते हैं रिटायरमेंट तक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और फैमिली लाइफ और स्टे साइड लाइफ, फैमिली लाइफ रहेगी, आपको कहीं आउटर नहीं जाना, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। ठीक है, ऑफिस में बैठ के जो काम करना है, कहीं आउटर साइट पे नहीं जाना, फैमिली लाइफ आराम से फैमिली को आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग वन बाय वन सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूँ, मुझे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल और टेलीग्राम ऑफिशियल लिंक है, उसका ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, जितना जल्दी हो पाएगा मैं रिप्लाई दूंगा। बट जो मैंने वीडियो में बताया उसी को आप घुमा फिरा के मत पूछिए, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में बता दी है उसको मैं अगर वापस रिपीट करूँगा तो सभी का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ जो समझ नहीं आया वही पूछें। एंड ऐसे ही आगे मैं जो प्रोफाइल पे
बीआरओ के प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे भी डाउट होता है सभी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे ही बनाता रहूँगा। एंड तो मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।